तो अर्थशास्त्र के थ्योरियों को पढ़ने के बाद अब हम आते हैं एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स पे। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स क्या है? जब अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का प्रतिपादन हम एग्रीकल्चर के क्षेत्र में करते हैं तो वह एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स कहलाता है। तो आइए इसके डिफिनेशन पर ध्यान देते हैं। एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल इकोनॉमिक्स। टू एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स क्या है? एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ जनरल इकोनॉमिक्स टू एग्रीकल्चर। जब अर्थशास्त्र के सामान्य सिद्धांतों का प्रतिपादन या उसका उपयोग हम एग्रीकल्चर के क्षेत्र में करते हैं तो वह कृषि अर्थशास्त्र कहलाता है। इसके यह दो भागों में बटा है। पहला है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हम केवल एक यूनिट का ही अध्ययन करते हैं, चाहे एक फार्म हो, चाहे एक ही उत्पादन फलन हो, चाहे एक ही व्यवसाय हो। इसके अंतर्गत हम केवल एक ही व्यवसाय का अध्ययन, एक ही फार्म का यूनिट स्टडीज के अंतर्गत करते हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हम कई फॉर्म के बीच का अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत हम समूह के रूप में अध्ययन करते हैं, चाहे जिसका अध्ययन करेंगे बृहद अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। जैसे कई फार्मों का समरूप अध्ययन करते हैं, कई उद्योग एक साथ हम चलाते हैं, उसका अध्ययन जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत किया जाता है। इसमें जो है कई सिद्धांतों का प्रतिपादन भी किया गया है। इसमें जो है इसके पांच फैक्टर होते हैं। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हम पांच फैक्टर का अध्ययन करते हैं। आइए उन फैक्टरों को भी देखते हैं। तो पहला फैक्टर है लैंड, दूसरा लेबर, कैपिटल, लैंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के बाद आखिरी पांचवा है इंटरप्राइजेज। तो लैंड क्या है? भूमि जिस पर खेती की जाती है। सभी व्यवसाय एग्रीकल्चर का बेस ही लैंड है। बिना लैंड के ही एग्रीकल्चर का कोई अस्तित्व तो नहीं है। यह भूमि फिक्स होती है, इसको इसलिए फिक्स कहा जाता है। लैंड जो है एक फिक्स्ड फैक्टर है। उसके बाद लेबर एक्टिव फैक्टर है। इन पांचों फैक्टरों में यह प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे एक्टिव फैक्टर का क्या है, तो वो लेबर है, क्योंकि लेबर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है, लेकिन लैंड को एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकता। कैपिटल या पैसिव फैक्टर है। कैपिटल जो है एक पैसिव फैक्टर के रूप में कार्य करती है। कैपिटल जितने भी कैपिटल होती है, कैपिटल मतलब होता है मुद्रा, मतलब धन, पैसा। इसका अर्थ होता है कि हर प्रकार की मुद्रा जो है धन हो सकता है। धन मतलब वेल्थ। All capital is wealth, but all wealth is not capital. सभी मुद्राओं को हम धन कह सकते हैं, लेकिन सभी धन मुद्रा नहीं है, क्योंकि धन के अंतर्गत हमारा लैंड भी आएगा, लेबर भी हमारे धन है, हमारे पशु, हमारे मकान, सब हमारे जो है वेल्थ के अंतर्गत आते हैं। इसलिए कैपिटल को वेल्थ कह सकते हैं, लेकिन वेल्थ को कैपिटल नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हर वेल्थ कैपिटल नहीं कहा जा सकता। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन हमारा संगठन, उसके बाद इंटरप्राइजेज जो हम उद्योग करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब इससे आगे जो है प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स में हम तीनों रिलेशनशिप के बारे में क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे। उसमें बताएंगे आपको कि एग्रीकल्चर में किस प्रकार के उद्योग का हमें उत्पादन अपनाना चाहिए जिससे हमारा उत्पादन अच्छे से हो सके, और उन्हीं
रिलेशनशिप से ही अधिक से अधिक प्रश्न बनते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है जो कि एक्टिव फैक्टर पूछा जाता है। और उसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कौन कौन से उद्योग आते हैं, कौन कौन से थ्योरियाँ आती हैं, ये सब हम आपको भी आगे बताएंगे। उसके बाद यहाँ तक ठीक है। उसके बाद अगला जो वीडियो हम जारी करेंगे उसमें आपको बताएंगे प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स के बारे में। प्रोडक्शन इकोनॉमी, जिसे कि नाम से ही स्पष्ट होता है कि उत्पादन अर्थशास्त्र, वह अर्थशास्त्र जो कृषि के उत्पादन के बारे में अध्ययन करे, जो कृषि का उत्पादकता को बताए, वही उत्पादन अर्थशास्त्र है। इसमें जो है इकोनॉमिक्स के सिद्धांतों का, जब हम प्रोडक्शन में सीधा फैक्टर देखते हैं कि इकोनॉमिक्स के प्रयोग से उसके सिद्धांतों का एप्लीकेशन करने से हमारे उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसी का अध्ययन हम जो है प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स के अंतर्गत करते हैं। इसमें तीन रिलेशनशिप हैं, फैक्टर 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 प्रोडक्ट और प्रोडक्ट प्रोडक्ट। इन तीनों रिलेशनशिप का अध्ययन हम अगले वीडियो में क्रमबद्ध तरीके से करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जितने लोग हमसे जुड़े रहेंगे उतना ही पढ़ाने में मज़ा आएगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद।